सो मेरे बच्चों, अभी हम लोग हैं एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कर रहे हैं। एंड बच्चों, इसमें 7 एग्जांपल्स हैं, जिसमें एग्जांपल 1-4 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लेना। एंड बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं एग्जांपल 5, 6 एंड 7। सो बच्चों, सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे बच्चों, एग्जांपल 5 देखो, यहाँ पे दिया है, संता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड व्हिच इज इन शेप ऑफ ए क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय ए हाफ सिलेंडर। सो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है कि संता नाम का एक आदमी है जो कि एक इंडस्ट्री रन करता है एक शेड में, राइट। एंड बच्चों, जो शेड का शेप है वो कैसा है, नीचे में क्यूबॉइड है एंड ऊपर में बच्चों हाफ सिलेंडर है। मतलब बच्चों, उसका जो छत है शेड का वो कैसा है, हाफ सिलेंडर है। अब यहाँ दिया है, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर × 15 मीटर। ना बच्चों, जो शेड का बेस है उसका डायमेंशन दिया है 7 मीटर × 15 मीटर एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। बच्चों, हाइट दिया है 8 मीटर। सो यहाँ पे हम लोग को बताना है वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट शेड कैन होल्ड। सो बच्चों, हम लोग को ये बताना है कि कितना एयर द वॉल्यूम निकालना है एयर का बच्चों, जो ये शेड होल्ड करता है, राइट। तो यहां पे लिख लो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड, राइट बच्चों, ये निकालना है सबसे पहले हम लोगों को कि कितना एयर इस शेड के अंदर है, मतलब एयर का वॉल्यूम इस शेड के अंदर। सो बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अब देखो शेप कैसा है इसका, शेप बच्चों क्यूबॉइड है नीचे में एंड ऊपर में कैसा हाफ सिलेंडर है। सो हम लोग इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे एंड बच्चों इस हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को अपना रिक्वायर्ड वॉल्यूम मिल जाएगा, राइट। सो यहाँ पे लिखो बच्चों कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर, राइट बच्चों। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है बच्चों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, सिलेंडर का होता है πr² h एंड बच्चों हाफ सिलेंडर है सो हाफ लगा देंगे सामने ऐसे, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, सो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया बच्चों हम लोगों को 7 × 15 × 8 हो जाएगा, तो 7 × 15 × 8, राइट, प्लस हाफ एंड बच्चों पाई का वैल्यू हम लोगों को लेना है कितना, 22/7। सो यहाँ लिखो 22/7 एंड बच्चों रेडियस कितना हो जाएगा, देखो 7 मीटर है ये, सो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 7/2, ठीक है। हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर कितना है 7 मीटर है, सो बच्चों रेडियस हो जाएगा 7/2, तो 7/2 × 7/2 × बच्चों इसका हाइट है 15, राइट। हाइट कितना है 15 है, सो वैल्यूज हम लोग पुट कर दिए, अब इसको बच्चों कैलकुलेट करना है, तो 7/7 कैंसिल बच्चों 11 हो गया यहाँ पे, तो देखो 15 × 7 कितना होता है 105 एंड 105 × 8 बच्चों 840। सो राइट हियर 840 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 11 × 7 = 15 अपॉन 2 × 4 हो जाएगा यहाँ पे, सो 840 प्लस, अब देखो यहाँ पे बच्चों 15 × 7 = 105 and 105 × 11, सो 105 and 105, सो 5511, सो ये हो जाएगा बच्चों 1155/4, सो 840 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे बच्चों 4 × 2 = 8, 35, 4 × 8 = 32, 35, 4 × 8 = 32, 35 हो जाएगा बच्चों, सो 75, राइट, इतना हो गया। सो 840 × 288.75 यहाँ हो जाएगा 75 and 8 = 12, 2 + 1 = 10, 11, सो 1128.75 m³, राइट बच्चों 1128.75 m³, ये बच्चों वॉल्यूम आया पूरे शेड का। बच्चों अब यहाँ पे बोल रहा है फर्दर, सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 m³ एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ होम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 m³ स्पेस ऑन एन एवरेज, देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। सो बच्चों यहाँ पे जो हम लोग निकाले अभी एयर का वॉल्यूम शेड के अंदर, वो कब है, जब शेड के अंदर कोई मशीनरी नहीं है, कोई वर्कर नहीं है। सो यहाँ पे मेंशन कर दो, यहाँ पे लिख दो विदाउट मशीनरी एंड वर्कर्स, राइट बच्चों, जब शेड के अंदर कोई मशीनरी नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, तो बच्चों एयर का वॉल्यूम जो है शेड के अंदर इतना है, राइट। अब यहाँ पे दिया है कि सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 m³, सो यहाँ पे लिखो स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी इज इक्वल टू 300 m³। एंड बच्चों फिर दिया है देर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ होम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 m³ स्पेस, सो
स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वर्कर्स कितना होगा बच्चों 20 वर्कर्स है तो 20 इंटू जो एवरेज स्पेस ऑक्यूपाई करता है एक वर्कर वो कितना करता है 0.08 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.08 तो बच्चों ये हो जाएगा 1.6 मीटर क्यूब ठीक है बच्चों सो टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी एंड वर्कर्स कितना हो जाएगा बच्चों सो दोनों को ऐड कर देंगे तो 300 मीटर क्यूब प्लस 1.6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 301.6 मीटर क्यूब एंड बच्चों सो इतना स्पेस मशीनरी और वर्कर मिलकर ऑक्यूपाई करता है एंड बच्चों ये कब मिला हम लोगों को जब शेड के अंदर कोई मशीनरी नहीं है कोई वर्कर नहीं है नाउ अब यहाँ बोल रहे हैं देन हाउ मच एयर इज इन द शेड अब बच्चों अब कितना एयर होगा शेड के अंदर ठीक है जब मशीनरी भी होगा और वर्कर भी होगा ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ एयर इन द शेड इज इक्वल टू बच्चों पूरा एयर जो भी हम लोग पहले निकाले थे 1128.75 मीटर क्यूब माइनस ये निकाल देंगे उसमें से 301.6 मीटर क्यूब सो क्या होगा देखो सो यहाँ पे बच्चों यहाँ लिख लो 1128.75 माइनस 301.60 सो ये हो जाएगा बच्चों 15 यहाँ 7 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 8 सो बच्चों 827.15 मीटर क्यूब सो इतना स्पेस अभी बच्चों इस शेड में है जब दोनों है मशीनरी भी है और वर्कर भी है राइट समझ में आया बच्चों तो ये था हम लोग का एग्जांपल नंबर 5 राइट अब चलो करते हैं एग्जांपल नंबर 6 नाउ मेरे बच्चों एग्जांपल 6 देखो यहाँ पे दिया है जो सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर तो फिगर में दिया है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन व्हिच रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 सो बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक जूस सेलर है राइट बच्चों एक जूस सेलर है जो अपने कस्टमर्स को इस ग्लास में जूस सर्व करता है ठीक है बच्चों इस तरह के ग्लासेस में जूस सर्व करता है राइट अब यहाँ दिया है बच्चों इनर डायमीटर जो ग्लास का है सिलिंड्रिकल ग्लास है बच्चों इसका जो इनर डायमीटर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है राइट बच्चों मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बच्चों 5 सेंटीमीटर है इनर डायमीटर इज गिवन 5 सेंटीमीटर बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन बच्चों जिसका बॉटम है उसमें क्या बच्चों एक हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन है मतलब ग्लास बच्चों ऊपर तक ऐसे धसा हुआ है ठीक है इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वॉज 10 सेंटीमीटर बच्चों हाइट दिया है ग्लास का 10 सेंटीमीटर राइट हाइट दिया है ग्लास का 10 सेंटीमीटर फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी तो क्या करना है बच्चों हम लोगों को इस ग्लास का अपेरेंट कैपेसिटी निकालना है एंड बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी निकालना है ठीक है तो अपेरेंट का मतलब क्या होता है एक्चुअल का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो तो बच्चों अपेरेंट का मतलब होता है जो दिखता है वो ठीक है तो बाहर से बच्चों ग्लास कैसा दिख रहा है एक नॉर्मल ग्लास दिख रहा है बाहर से जब इसमें जूस डालेगा जूस सेलर तो बच्चों ये पोर्शन उसमें नहीं आएगा जूस में मतलब इतना पोर्शन इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा इस हेमिस्फीयर के बराबर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों जूस का कम हो जाएगा राइट तो वो एक्चुअल कैपेसिटी होगा तो बच्चों इसको हटा के जो वॉल्यूम हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा अपेरेंट कैपेसिटी होगा ठीक है एंड बच्चों इसको लेके ठीक है बच्चों इसको लेके जो कैपेसिटी हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा वो बच्चों इसका एक्चुअल कैपेसिटी होगा सो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे बच्चों अपेरेंट सो अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा बच्चों इस ग्लास के पूरे कैपेसिटी के बराबर मतलब सिलेंड्रिकल ग्लास है बच्चों तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच ठीक है तो इसको कैलकुलेट कर लो यहाँ 3.14 हम लोग यूज करना है पाई के जगह पे एंड बच्चों आर कितना है डायमीटर 5 है तो आर कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा तो 5/2 इंटू 5/2 इंटू हाइट है बच्चों 10 सो 10 राइट सो देखो यहाँ 5 हो जाएगा एंड बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 1.57 सो दिस इज 125 इंटू 1.57 ठीक है सो 125 एंड 1.57 कितना हो जाएगा देखो 7/5 = 35 कैरी 3 14/17 कैरी 1 बच्चों 8 सो 5/5 = 25 5 कैरी 2 10/12 कैरी 1 एंड 6 सो 5 2 1 5 7/5 = 12
आठ दो दस पंद्रह एक सोलह का छः हाथ में एक छः दो आठ एक नौ एक सो 196 कितना होगा बच्चों 196.25 सेंटीमीटर क्यूब राइट बच्चों। ये एक ये क्या है अपेरेंट है बच्चों, अपेरेंट कैपेसिटी है जो हम लोग को दिख रहा है वही है ठीक है। जो बच्चों ग्लास बाहर से दिख रहा है तो हम लोग को क्या लग रहा है कि ग्लास में इतना जूस अटेगा ठीक है, बट एक्चुअल क्या है। अब एक्चुअल बच्चों ये है कि ये जो हेमिस्फेरिकल यहाँ पे एक पार्ट है इसका नीचे में बच्चों जो बना हुआ है इस तरह से, तो उतना वॉल्यूम कम हो जाएगा मतलब इस हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के बराबर जूस का वॉल्यूम कम हो जाएगा राइट। तो अब यहाँ पे निकालो एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 196.25 माइनस ठीक है बच्चों रियल में से क्या करेंगे हम लोग, क्या माइनस करेंगे इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो बच्चों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब राइट। सो 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर कितना है बच्चों, आर है 5/2 सो 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2 ठीक है। इसको सॉल्व करो ना तो कितना हो जाएगा बच्चों 196.25 माइनस 6.28 इंटू 125 अपॉन 8 3 24 सो यहाँ पे हो जाएगा देखो 125 एंड 6.28 सो 8 5 40 4 8 2 16 4 20 कैरी 2 बच्चों 8 to 10 इतना हो गया 5 2 10 0 250 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 6 5 30 0 कैरी 3 12 3 15 5 कैरी 1 7 सो 0 0 5 5 2 7 1 8 and 7 सो बच्चों दिस इज 785 सो 196.25 माइनस 785 अपॉन 24 सो 785 डिवाइड बाई 24 सो बच्चों 3 72 यहाँ 65 248 यहाँ पर बच्चों 17.0 हो जाएगा यहाँ 7 जा 168 फिर बच्चों 20 डिवाइड तो नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा 0 फिर यहाँ 0 सो दिस इज 8 बच्चों ऐसे चलते चला जाएगा ठीक है। तो इसको हम लोग मान सकते हैं क्या 32.71 सो 32.71 तो कितना हो जाएगा देखो 196.25 एंड बच्चों 32.71 तो दिस इज 4 दिस इज 5 एंड दिस इज 361 सो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों इतना जूस आप लोगों को मिलेगा पीने के लिए ठीक है। ये क्या है बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी है इस ग्लास का, दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड बच्चों दिस इज अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास मतलब ये दिख रहा है हम लोगों को बाहर से ठीक है कितना जूस इसमें अटेगा, बट बच्चों इस पोर्शन के चलते इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन के चलते क्या होगा बच्चों इतना ही जूस हम लोग को पीने के लिए मिलेगा राइट, इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा जूस का राइट। समझ में आया आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 6 ठीक है। चलो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 ना मेरे बच्चों। एग्जाम्पल 7 देखो यहाँ पे दिया है अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। सब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टॉय है एक सॉलिड टॉय है बच्चों जो नीचे से कैसा है हेमिस्फेरिकल है बच्चों ऊपर से कॉनिकल है राइट, नीचे से हेमिस्फेरिकल है बच्चों ऊपर से कैसा है कॉनिकल है ना। अब बच्चों इस कॉनिकल पार्ट का हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर सो देखो AO क्या है बच्चों हाइट है कोन का ठीक है 2 सेंटीमीटर है एंड बच्चों डायमीटर जो है बेस का वो कितना है इसका 4 सेंटीमीटर है सो इसका रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों रेडियस भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा सो OA क्या बच्चों हाइट है हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड बच्चों OC क्या है OC इज रेडियस ऑफ कोन एंड बच्चों यही रेडियस भी है किसका हेमिस्फीयर का भी नीचे वाले का भी सो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर राइट 4 डायमीटर है बच्चों तो रेडियस 2 सेंटीमीटर होगा ठीक है। तो अब हम लोग क्या करना है यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है किसका टॉय का सो यहाँ पे लिखो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम राइट इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम एंड बच्चों इस कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग तो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल टू बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन राइट। सो बच्चों वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है अभी होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा बच्चों ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच राइट।
तो बच्चों निकाल लो इसका वैल्यू कितना होगा, सब कुछ हम लोग को पता है। सो 2/3 इंटू बच्चों पाई का वैल्यू हम लोग को लेना है 3.14। सो 3.14 इंटू बच्चों रेडियस कितना है, 2 है, तो 2³ प्लस 1/3 3.14 इंटू बच्चों रेडियस है 2। सो 2 इंटू हाइट इज गिवन 2 ऑल्सो, ठीक है, तो 2 हो गया। अब देखो यहाँ पे बच्चों कुछ कुछ जो कॉमन है वो ले लो पहले। तो यहाँ पे देखो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2³, राइट बच्चों, ये कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, देखो ऊपर वाला 2 यहाँ बचेगा, ठीक है, एंड बच्चों यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1, राइट, कितना बचेगा। सो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 8 इंटू 3, सो बच्चों 3 कैंसिल, सो दिस इज 3.14 इंटू 8। सो मल्टीप्लाई करके देख लो 3.14 8, 8 4 32 2 3 एट 11 1 कैरी 1 25.12, कितना है बच्चों 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। सो बच्चों ये वॉल्यूम हम लोगों का किसका, टॉय का, तो टॉय का वॉल्यूम निकाल दिया हम लोग 25.12। ना बच्चों अब यहाँ दिया है, इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, राइट बच्चों। अब यहाँ बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट बच्चों, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको टॉय को सर्कमस्क्राइब किए हुए, मतलब इसको अंदर में बंद किए हुए, इसके अंदर में टॉय है, राइट बच्चों, ये सिलेंडर के अंदर में टॉय है। तो बच्चों हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालना है किसका बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, सिलेंडर के वॉल्यूम का और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस, ठीक है। तो टॉय का तो वॉल्यूम निकाल लिया है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, राइट बच्चों। सो यहाँ लिखो वॉल्यूम ऑफ, नाउ यहाँ लिखो नाउ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है बच्चों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई का वैल्यू हम लोग को लेना है 3.14। रेडियस कितना होगा बच्चों, अब देखो रेडियस का भी 2 ही होगा, एफ, ठीक है बच्चों, एफ क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 2 इंटू हाइट कितना होगा बच्चों इसका, अब इसका हाइट हो जाएगा, अब देखो ये 2 है बच्चों, ओसी कितना है, 2 है, तो ओपी भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट बच्चों, ओपी भी कितना होगा, 2 हो जाएगा, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है बच्चों, कौन का हाइट कितना है, 2 है, तो 2+2 4 हो गया। सो एपी, एपी क्या है बच्चों, हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट, तो यहाँ 4 लिखो। सो यहाँ हो जाएगा 3.14 इंटू 4 × 8 × 16, राइट। सो 3.14, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको बच्चों ऐड करते हैं फिर से, तो यहाँ हो जाएगा 2450। सो बच्चों 50.24 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, ये होगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ द किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर। नाउ हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, डिफरेंस निकालना है इस सिलेंडर के वॉल्यूम का एंड बच्चों टॉय के वॉल्यूम का। सो डिफरेंस क्या हो जाएगा, सो डिफरेंस हो जाएगा बच्चों 50.24 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर, राइट बच्चों, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। सो बच्चों ये था हम लोग का एग्जाम्पल 7, जो कि हम लोग का लास्ट एग्जाम्पल था इस चैप्टर का, एंड बच्चों एग्जाम्पल भी डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट था, इससे भी क्वेश्चन आता है। सो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अगले सेशन में करेंगे अपना एक्सरसाइज 12.2, तो सेशन को देखना बच्चों, होपफुली आप लोग को ये भी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, राइट। हम लोग मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।